हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा फोन जो कि काफी बेटर है, काफी अच्छा है और जिनकी कैमरा क्वालिटी वगैरह सब कुछ प्रोसेसर अच्छी और काफी आपके बजट के अंदर आ जाएगा और काफी बेस्ट फोन रहेगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ रियलमी 3। लेकिन इस फोन के बारे में बात करने से पहले कुछ लोग अभी कमेंट करके कहेंगे कि अभी अभी तो मैंने जो है रियलमी जो एम आई का रेडमी 7 नोट प्रो था उसके बारे में मैंने बताया था, जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कुछ कैमरा था। तो दोस्तों उस फोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसा कि मैंने यूज करके उस टाइम पर नहीं देखा था। जब मैंने उसको यूज किया उसके बाद में मुझे पता चला उसमें क्या क्या कमियां है। उसकी जो कमियां है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले उस फोन की कमी सबसे ज्यादा कि हम ये तो जान लेते हैं कि उसके अंदर तस्वीरें 48 मेगापिक्सल पर क्लियरिटी देकर खींच लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली बात यह होती है जो इमेज हम क्लिक करते हैं खींचते हैं एक्चुअली वो इमेज लगभग 25 से 30 MB तक पहुंच जाती है, जिससे हमारा स्टोरेज हम जानते हैं कि सेल्फी वगैरह क्लिक करने का या फोटोज क्लिक करने का फिर हमें कितना शौक रहेगा। कम से कम आप 100 आप खींच दोगे, 100 इमेज खींच दोगे उसके बाद में आपकी स्टोरेज जो है जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि स्टोरेज तो वही रहने वाली है 64 GB। तो आपको पता है कि स्टोरेज जल्दी भरेगी, उसी के साथ साथ आपका फोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्पीड है, वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाएगी उसी के कारण। अब दूसरी बात क्लियर कर लेते हैं कि जब आप इमेज क्लिक करते हैं तो उसमें प्रो सिलेक्टेड नहीं रहता। मेरा मतलब है कि जो आप ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मोड होता है उसका 48 मेगापिक्सल का, वो सिलेक्टेड नहीं होता है। मतलब हम जब भी उस मोड को सिलेक्ट करते हैं तभी हम 48 मेगापिक्सल पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा उसमें 25 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। आप जो उसे जाकर सेटिंग में जाकर उसको हर बार आपको 48 मेगापिक्सल सिलेक्ट करना होगा, तभी आप फोटो खींच क्लिक कर पाओगे 48 मेगापिक्सल के अंदर, ये झंझट। तीसरी चीज की मैं बात बता देता हूँ कि उसके अंदर मान लीजिए आपने 48 मेगापिक्सल के अंदर आपने वो इमेज क्लिक कर ली, तस्वीर क्लिक कर ली, उसके बाद में भी हम वो मान लीजिए हमने जो इमेज 13 मेगापिक्सल से हम क्लिक कर पाते हैं, उस इमेज को मात्र 0.5 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता क्लिक होने में, लेकिन जिस इमेज को आप खींचोगे उसको 3 से 5 सेकंड का टाइम लग जाता है क्लिक होने के अंदर। आपने फोटो खींची आपको 3 सेकंड तक तो कैसे खड़ा रहना पड़ेगा, 3 से 5 सेकंड के बाद वो प्रोसेस होकर के फिर वो खींच कर आएगी, जिसमें काफी टाइम लगेगा। और हाँ, हालांकि उस फोटो की क्लियरिटी तो आपको मिल जाएगी, अच्छी तरह से फोटो आ जाएगी, लेकिन और जो दोस्तों जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं वो उम्मीदें वो नहीं देता है। तो उसके लिए मेरी सॉरी कि फोन जो है, जो कॉन्फ़िगरेशन फोन का दे रखा है कंपनी ने, वो कॉन्फ़िगरेशन भारत का कोई भी फोन नहीं दे सकता। लेकिन जो है ऊंची दुकान फीके पकवान, सुने होगी क्या, वही चलने वाला है और कुछ नहीं है। तो आपको जो है दिखावे पर जो डिपेंड नहीं करना है, तो वो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, जब यूज करके देखा तब पता चला। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो मैं फोन लेकर आया हूँ रियलमी 3 का लेकर आया हूँ। एक्चुअली इस फोन को पहले भी एक ऐसा फोन जो है मैं लेकर आया था, उसको काफी दिन यूज करने के बाद में एक और फोन मंगाया हूँ आपकी अनबॉक्सिंग करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। इसका कैमरा क्वालिटी सब कुछ काफी बेटर है, मैंने इसको यूज करके भी देखा है। उसी के साथ साथ दोस्तों इसकी जो प्रोसेसर वगैरह है वो भी काफी अच्छी है, तो आज मैं बताने वाला हूँ इस फोन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल न्यूटी किसी को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करते ही पास में आएगा जो बेल आइकन उसको कर दीजिए प्रेस, वीडियो कर दीजिए लाइक, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फोन दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने इस फोन को बाय किया फ्लिपकार्ट के जरिए और इसकी प्यारी सी पैकिंग आती है, आप सभी जानते हैं। तो अभी इस पैकिंग को हम खोलने वाले हैं। एक्चुअली इस पैकिंग को खोलेंगे किससे, मैं नाइफ लेना भूल गया। तो मेरे पास अभी तो ये एक मिरर का टुकड़ा है, मिरर का पीस है, मैं इसी से जो है कट कर लेता हूँ इसको, सॉरी जो है भूल गया इस बार। तो ये देखिए मैं इसे मिरर के से पीस से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से ओपन होता है, उसके अंदर हमें मिलता है ये रियलमी का प्यारा सा बॉक्स। तो इस एक बार इस बॉक्स को साइड में रखते हैं, उसके अंदर आपको दिखा देता हूँ कुछ नहीं है, एक बिल है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके अंदर इसके प्रोडक्ट की डिटेल सारी लिखी हुई थी, कितने रुपये का है, बाकी 10,999 रुपये का है विथ GST, और देखिए टोटल अमाउंट जो है 10,999 रुपये है। और जो रियल क्वालिटी और जो रियल इसकी इन्फॉर्मेशन बिल पर दी हुई है वही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको भी रख देते हैं साइड में, अपना बिल ले लेते हैं, सॉरी बिल क्या फोन ले लेते हैं। ये फोन का बॉक्स है और इसके ऊपर देखिए ये आई है एक, जिसे हम बोल सकते हैं प्यारी सी थैली बॉर्डर, वैसे बोला जाता है इसे बबल रैपर, अच्छी तरह से बहुत मजा आता है ना पोड़ने में। इसको रख देते हैं साइड के अंदर और इसको बोलते हैं, अब हम ये बॉक्स खोलते हैं जिसपे लिखा हुआ रियलमी 3, और ये देखिए रियलमी 3 लिखा हुआ है। और उसके अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इसका इस तरह से जो है देखिए ओपन होता है, ये देखिए इस तरह से इसका अभी बॉक्स है, अभी और खुलेगा, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और अब इसको खोलते हैं तो ये यहाँ पर देखिए इसकी
अलग से बॉक्स आया है जिसके अंदर कुछ नहीं है खास, इसका यूजर मैनुअल वगैरह हमें आता है इनको यूज करने के लिए। तो इसके अंदर देखिए प्यारी सी ये इसका कवर जो है इसके साथ आया है, जो मैंने इसके साथ लिया है, और ये यूजर मैनुअल जो मैंने अभी कहा, और ये तो इसका कवर है जो कि काफी अच्छा है, ज्यादा अच्छा हम नहीं बोल सकते, लेकिन ट्रांसपेरेंट है और जो है काफी बेहतर रहता है सेव करने के लिए फोन को, क्योंकि स्टार्टिंग में और कोई फोन ऐसे कवर साथ नहीं देता। तो इसको रख देता हूँ मैं साइड के अंदर और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट के अंदर इसके ऊपर सीधा का सीधा देखिए फोन ही रखा हुआ है, इसी फोन को मैं निकाल लेता हूँ। जो है फोन को देखने से पहले हम देखते हैं इसके अंदर और क्या आया है। तो इसके अंदर ये चार्जिंग एडेप्टर आया है जिसके अंदर से हम अपने फोन को चार्जिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूं तो जो है इसकी ये जो है 5 वोल्ट का है, और 5 वोल्ट का काफी अच्छा चार्जर होता है, आप सभी भी जानते होंगे, मतलब फास्ट चार्ज क्विक चार्जर को ये सपोर्ट करता है। उसी के साथ साथ ये जो है डाटा केबल है इसकी जो इसको चार्ज करने में काम आएगी, इसको आप डाटा केबल के यूज में भी ले सकते हैं। तो इसको मैं रख देता हूँ साइड के अंदर। अब नेक्स्ट तो ये देखिए खाली है पूरा पूरा, और फोन दिखा देता हूँ आपको प्यारा सा। तो दोस्तों ये फोन है देखिए इस इतनी प्यारी सी कॉन्फ़िगरेशन में, और इसको जो है मैं अभी सेकअप कर देता हूँ। और इस फोन की लुकिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही शानदार है, सॉफ्टनेस में काफी इसकी स्क्रीन है, और दोनों को देखने पर जो है फ्रंट कैमरा भी काफी बेहतर है, और इसका कैमरे है दोनों डबल कैमरे है और 13 मेगापिक्सल के हैं। लेकिन इसकी लेंस की क्वालिटी की मैं बात करूं तो इतनी क्लियरिटी है कि आप अपने वीडियोज को बहुत ही बारीकी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, बारीकी से इसमें जूमिंग क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों आप यदि इस फोन की बैटरी की बात करूं तो प्राइमरी बैटरी जो पॉलीमर बैटरी है इसकी 4200 mAh की बैटरी है, जो भी काफी अच्छी बैटरी और काफी अच्छी चलती है। और इसके चार्जिंग सपोर्ट की बात करूं तो ये क्विक चार्जर सपोर्ट करता है, यानी फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया 5 वोल्ट का चार्ज इसके साथ है। उसी के साथ साथ दोस्तों इसको मैं रख देता हूं साइड में, और जो इसकी और क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको धीरे-धीरे बता देता हूं। तो एक्चुअली इससे 4GB 64GB रैम है, 11,000 रुपए का ये आया है, 10,999 रुपए का यह आया है। डबल कैमरा सपोर्ट है, और जो है पहला कैमरा है फोटो क्लिक के लिए, दूसरा कैमरा है ब्लर कैमरा के लिए। तो अब इसमें जो लेंस वगैरह फिंगरप्रिंट के साथ ये आया है। उसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर सबसे बेस्ट बात है इसकी लुकिंग की, और इसकी जो फुल डिस्प्ले है वो फुल डिस्प्ले हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। बहुत ही प्यारा सा ये फोन है, इसके इससे अच्छा फोन आपको नहीं मिल सकता इतने अच्छे रुपए में। और उसी के साथ साथ कैमरा क्वालिटी में चेक करके देखिए, और काफी अच्छा ये फोन है, और काफी कॉन्फ़िगरेशन इनके साथ ये हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ यदि इसकी प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है इसके अंदर, और काफी अच्छा ही जो है ये चलता है। उसी के साथ साथ सबसे बेस्ट बात अगर मैं करूँ तो Redmi MI 7 प्रोसेस की जो तुलना करूँ कंपैरिजन करूँ तो वो फोन जो है हीटिंग देने लगता है, लेकिन आप इसे कितना चार्ज कर लो, कितनी देर चला लो, कितनी भी इंटरनेट स्पीड में रख लो, 0.000% से भी माइनस में ले लो आप, तो बिल्कुल भी जो है हीटिंग प्रॉब्लम नहीं देता है हमें, बिल्कुल भी हीटिंग प्रॉब्लम नहीं देता, और काफी बेहतरीन रहता है, काफी बेहतरीन लुक के साथ ये है। और उसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर जो गोरिल्ला ग्लास सपोर्टेड है, मतलब गोरिल्ला ग्लास ऑटोमेटिकली इसके अंदर आता है। तो ये था बहुत ही प्यारा सा वीडियो, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया इसके बारे में, और ये फोन आपके लिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में थी एक छोटी सी फोन के बारे में जानकारी मैंने दी है, इसकी जो ऊपर से इसकी बनावट मैंने आपको बताई है केवल इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आ जाऊंगा जिसके अंदर इसके अंदर की जो क्वालिफिकेशन है, इसकी जो क्वालिटी है विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा, इसकी रिकॉर्डिंग्स जो नाइट में कैसे रिकॉर्डिंग्स आती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे पिक्चर्स क्लिक करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरे प्रूफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अब ज्यादा आप बोल रहे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी प्यारी प्यारी दिल की बातें कमेंट करना ना भूले। यदि आपको वीडियो अच्छा था तो लगा दोस्तों मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।